कोरापुट शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम व सुदृढ़ बनाने के लिए आईजी रेंज जे रविंद्र गौड़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अनुक्रम में एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद के नेतृत्व में यातायात पुलिस और थानों व चौकी के पुलिस कर्मियों द्वारा सड़क के किनारे अतिक्रमण किए हुए ठेला खोमचा और बेतरतीब खड़े वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि भविष्य में रोड के किनारे अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू सुदृढ़ एवं व्यवस्थित करने हेतु आईजी रेंज सर के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया था और जिसमें जो है कि जो ठेले खोमचे ऑटो रिक्शा या अन्य दुकानदार जो दुकान बढ़ाकर सड़क पर लगा रहे हैं उनको पीछे कराना और व्यवस्थित कराना है। इस निर्देश के क्रम में यातायात पुलिस के साथ मैं स्वयं शहर का भ्रमण करके जहाँ जहाँ भी इस तरह से अव्यवस्थित तरीके से ठेले खोमचे वाले बाहर सड़कों पर लगाकर अतिक्रमण किए हुए थे, दुकानदार अपनी दुकानें बाहर निकाल कर लगाते हैं या जो है कि ऑटो ई रिक्शा जो है कि जगह जगह खड़े रहते हैं उनको व्यवस्थित कराया गया है और ये आगे भी जो है कि ये इसी तरह से व्यवस्थित किया जाएगा और जब तक एकदम से व्यवस्थित नहीं हो जाएगा तब तक ये अभियान चलता रहेगा। सर, जिनको बार बार समझाया जा रहा है उसके बाद भी वो बात नहीं आ रहा है तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से जैसे ऑटो ई रिक्शा है अगर वो समझाने के बावजूद भी निर्धारित जगह पर नहीं रहते तो उनके खिलाफ चालान जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी और जो दुकानदार इस तरह से नहीं मानेंगे तो उनको नगर निगम की टीम द्वारा उनके खिलाफ जो है जुर्माने की कार्रवाई कराई जाएगी।